सकते हो कि फुटेजेस में किस तरह एलेक्सिस हॉस्पिटल के पास अपहरण करता और प्रदीप साथ में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे फुटेज में घटना की शाम एलेक्सिस हॉस्पिटल के सामने अपहरणकर्ता और प्रदीप साथ में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ओके, जहां प्रदीप के घर वालों को किस तरह फिरौती की रकम मांगी गई है। बारह बजे के पहले। अच्छा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे देने हैं और क्या करना है, पर उससे पहले आप हमारी एक बार बात तो कराओ ना। नहीं सुनो मेरी बात, यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपके बारे में चॉइस नहीं है। आप सुनो मेरी बात को। हाँ हाँ, प्रदीप सेफ है। हम कैसे मान ले, हम कैसे मान ले? ठीक है मत मानो, मैं उसकी लाश भिजवा देता हूँ आपके घर पे। ठीक है, आप उसको कुछ नहीं करना। नहीं मैं भिजवा देता हूँ ना, बोलो मेरे को हरकत नहीं है। नहीं देखो आप उसको कुछ मत करना। मेरी मेरे बात मानने के अलावा आपके पास में चॉइस नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी बात करवाना चाहिए, मैं आपको उसकी लाश भेजता हूँ, आप उससे बात कर लीजिएगा, कोई हरकत नहीं है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। 30 लाख? नहीं देखिए, 30 लाख हम 12 बजे तक कैसे जमा करेंगे? वो आपकी इच्छा है। नहीं वो तो हमारे पास है भी नहीं ना। नहीं वो आप देख लो, दैट आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम। ठीक है हम कोशिश करते हैं, पर कहाँ देना है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप टेंशन मत लो। 30 लाख रुपए 12 बजे के पहले रेडी रखो। आई अश्योर यू, मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ। 2 सितंबर की रात पूरी दुनिया में खलबली मचा देने वाली घटना सामने आई थी। शुक्रवार की रात 11 बजे महात्मा गांधी के प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल प्रदीप मोती राम रमानी का एलेक्सिस हॉस्पिटल के सामने से अपहरण किया गया था। आरोपी द्वारा 30 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने की खबर मिल रही थी। इसके बाद नागपुर पुलिस को घटना की खबर मिलते ही 13 घंटों के भीतर इस घटना के अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जिसमें सूरज नोबेल फ्रांसिस और महिला आरोपी रीना फ्रांसिस नामक युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक और आरोपी फरार बताया जा रहा है। महिला आरोपी रीना फ्रांसिस महात्मा गांधी प्राइमरी स्कूल में कार्यरत होने की जानकारी बताई जा रही है, तो वहीं पूरी वारदात को प्रेम प्रकरण के चलते अंजाम दिया गया है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, प्रदीप रमानी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरी वारदात पुलिस स्टेशन में बताई। नागपुर पुलिस इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। आज सवेरे हमें किसी की मोबाइल से जो अपहरण हुआ हमारा भतीजा प्रदीप मोतीराम, उसके मोबाइल से फ़ोन आया। किडनैपर ने हमसे डिमांड रखी कि 30 लाख रुपए हमें दिए जाए 12 बजे के पहले, और मैं 12 बजे के पहले आपको फ़ोन करूँगा। हमने हमारे घर की लेडीज़ से ही उनसे बात कराई, ताकि हमारा जेंट्स का भी उन्हें डर लग सकता है, इसलिए हमने लेडीज से ही बात कराई। और लेडीज से बड़े इत्मीनान से उन्होंने बात की और कहा, हमने ये भी कहा उन्हें लेडीज ने कि हमें प्रदीप से बात कराइए, ताकि हमें भी तो पता पड़े कि वो प्रदीप आपके पास है कि नहीं। मगर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और साफ कहा कि अगर आपको बात करनी है प्रदीप से, तो आपको मैं लाश भेज देता हूँ, इसलिए आप कर लेना उससे बात। तो पूरा घर, हम पूरे परिवार, मित्रगण सब टेंशन में आ गए। आखिर हम दूसरा कोई विकल्प ना होने के कारण 12 बजे तक का इंतज़ार करना ही, और वो खुद भी जो आरोपी था उसने खुद भी हमें कहा कि तुम्हारे पास विकल्प क्या है, मेरे को आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो
को तुरंत मैंने जरीबट्टा पुलिस स्टेशन PI बादल साहब को फ़ोन किया और तुरंत वो घर पे थे उस वक्त, मगर 15 मिनट के अंदर वो थाने आ गए और वो 15 मिनट भी न गवाते हुए उन्होंने मेरे से नंबर लिया और नंबर लेके सीधा सर्विलेंस पे डाल के इमीडिएट उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। और आज उसका परिणाम ये हुआ कि 4 में से 2 आरोपी अभी पकड़े गए जा चुके हैं और हमारा जो भतीजा जो अपहृत हुआ था वो सुखरूप वापस आया। इसलिए हम नागपुर पुलिस विशेष करके जरीपटका पुलिस स्टेशन मैं हृदय से आभारी हूँ उनका, पूरी टीम का, जिसमें हमारे नागपुर के CP कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर अमितेश कुमार और जॉइंट CP दोरजे मैडम और नवीन चंद्र जी रेड्डी, चिन्मय पंडित जी और आवाड़ साहब और दूसरे जितने भी है ACP DCP सब पूरे, मैं सब मेरे से यहाँ से हिला नहीं हूँ, मगर देख रहा था कि एक पुलिस ने कितनी तन्मयता से और कितने डिवोशन से काम किया, उसका मैं नाग विदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत के तरफ से पूरे समाज के तरफ से उनका हृदय से आभारी हूँ, नागपुर पुलिस का हम उनको सैल्यूट करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आली होती की एका व्यक्ती आहे ज्यांना ते रात्रीपासून मिसिंग आहे आणि त्यांचे फॅमिली मेंबर्सला एक कॉल आला होता रॅन्सनसाठी आणि 30 लाख रुपयाची डिमांड होती, नाहीतर ते त्यांचे लाश आम्ही घरी पाठवणार अशा प्रकारची कॉल आला होता। आणि ते इन्फॉर्मेशन पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर लगेच सर्व यंत्रणा कामावर लागलेली आहे आणि आरोपी निष्पन्न झालेली आहे, आरोपीला ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहे आणि ऑलरेडी आरोपीचे मागचे 2-3 तासापासून आमचे पोलीस पथक लागला होता। आता जे विक्टीम आहे ते सुखरूप परत आलेली आहे आणि आता पुढील तपास सुरू आहे, यामध्ये किडनॅपिंग फॉर रॅन्सम आणि एक्स्ट्रॉर्शन विथ द थ्रेट फॉर मर्डर अशा प्रकारचे वेगवेगळे कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आले। ते आता आरोपी ताब्यात आलेले नाही, परंतु कोणकोण आरोपी निष्पन्न आहे याची आणि कोणाचे सहभाग असू शकते अशा काही महिला आणि पुरुष हे आमचे निर्देशनास आले होते आणि पोलीस त्याचे मागे लागला होता। एका आरोपीला विचारपूस पण सुरू होती, त्या सर्व असताना यांना त्याचे नंतर यांना आरोपींनी सोडला असा प्रथमदर्शनी दिसून येतो। 30 लाख रुपये आपण द्या, अन्यथा आपले हजबंडला आम्ही त्यांचे लाश आम्ही घरी पाठवणार अशा प्रकारचे कॉल। वैयक्तिक काही दुश्मनीच असायची प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे, तपास सध्या प्राथमिक स्टेजवर आहे, याचे व्यतिरिक्त सध्या काही बोलणे कॅमेऱ्यावर शक्य